हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारे केमिस्ट्री के वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं और उसको अपलोड भी कर दिया हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जिसमें जो जॉन डेल्टन है उन्होंने एक जो एक क्या बोलते हैं 19th सेंचुरी में जो अपना एक मॉडल ये किया था, प्रपोज किया था सबके सामने, जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ओके, और अगर बात करें इस थ्योरी के बारे में तो ये थ्योरी पूरी तरह से बेस्ड थी एक एटम के ऊपर। ओके, कि किस तरीके से जो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं जिसको हम एटम कहते हैं, और ये एटम ही मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और मॉलिक्यूल्स के कारण ही आप आसपास के जो मैटर देखते हो वो फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये एक जॉन डाल्टन का बहुत ही बेसिक सा थ्योरी था, लेकिन हम लोग ये जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसको हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपके मन में जो भी चीजें चल रही है डॉन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को लेके, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि एटॉमिक थ्योरी क्या थी, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय द जॉन डाल्टन इन द अर्ली 19th सेंचुरी वॉज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर को अगर अंडरस्टैंड करना है, ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैटर तीन टाइप के होते हैं। ओके, तो मैटर तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो आपका सॉलिड हो गया, ठीक है, दूसरा आपका गैस हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका लिक्विड हो गया। तो ये तीन तरह के मैटर आपने स्टडी किए हैं, ओके, आपके लोअर क्लासेस में। अगर हम यहाँ पे कहें कि कोई भी अगर मैटर फॉर्म होता है, चाहे आपका सॉलिड होने दो, गैस होने दो या लिक्विड होने दो, वो छोटे छोटे एटॉम से ही बन के फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ही बन के फॉर्म होते हैं। ओके, और इसी के ऊपर जो जॉन डाल्टन है उन्होंने स्टडी की थी एटम्स के ऊपर, कि एटम्स को क्या कहते हैं, किस तरीके से उनका नेचर होता है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या है, विशेषताएं है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी। सबसे पहले तो जो उनका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था उसके उनका यही साफ साफ कहना था कि जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, ओके, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, ओके, उसका जो मास होगा वो मास कहीं पे भी सेम होगा। अगर आप कहीं पे भी उस किसी भी किसी के साथ भी उसको रिएक्शन करवाते हो तो उसके मास के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पे रिएक्शन करवाया है, जिसमें ऑक्सीजन का जो मास है यहाँ पे कितना दिया है आपको, 16 दिया है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का मास है तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका, 1, और यहाँ पे कितने दो हाइड्रोजन लिए हैं इसके लिए, यहाँ पे 2। ओके, तो 16 + 2 कितने होते हैं आपके, 18 मास यूनिट होते हैं, और इससे एक आपका क्या फॉर्म होता है, आपका एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। लेकिन इसके मास के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, सिर्फ यही एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या था, एक जो मेन कॉन्सेप्ट था, कि अगर आप किसी भी एटम्स को किसी के साथ भी रिएक्शन करवाते हो तो उसके एटॉमिक मास के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर कर लो कि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे क्लियर कर लो। ओके, उसके बाद अगर इसके कुछ की पॉइंट देखे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, कि कौन कौन से जो मेन पॉइंट थे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर उसके डाल्टन एटॉमिक्स के मेन थ्योरी मेन कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करें, तो आपको पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके, तो हर एक एलिमेंट कैसा होता है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे अलग अलग जो एटॉमिक पार्टिकल्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप चाहे तो इस फिगर के अंदर भी देख सकते हो कि ये हमारे पास एक एटम है, और इस एटम के चारों बाजू जो ये आप देखते हो कि ये छोटे छोटे जो एटम्स है वो रिवॉल्व हो रहे हैं। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये एटम्स को ही जो डाल्टन से जॉन डाल्टन है उन्होंने स्टडी किया था, कि इनका बिहेवियर किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें उन्होंने स्टडी की थी। ओके, और ये एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम द वन अनदर। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन का जो एटम है अगर उसको हम लोग कंसिडर करें, ओके, हाइड्रोजन के एटम को अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पे आपका लॉरेंसियम दिया है उसके साथ, तो इसका और इसके जो दोनों के एटम है वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये बात उन्होंने कही थी कि आपके अलग अलग जो आपके एलिमेंट होते हैं, उस अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ की पॉइंट है। जो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट कंप्लीटेड अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द ऑल मैटर इन टर्म ऑफ एटम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके,
तो यहाँ पे जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो एक पहला ऐसा अटेम्प्ट था जिसने ये बताया कि जितने भी मैटर से इस अर्थ पे इस यूनिवर्स के अंदर वो सारे 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 के सारे क्या है एटम्स की वजह से फॉर्म होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे देखोगे कि डाल्टन बेस इस थ्योरी ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि अगर किसी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री दैट स्टेट द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये उनका कहना था कि अगर आप किसी भी कोई भी एलिमेंट आप कंसिडर कर ले, जैसे यहाँ पे हमने जो पिछले वाले स्लाइड था उसके अंदर हमने वाटर का फॉर्मेशन किया था, वाटर का फॉर्मेशन हमने कैसे किया था H2+O के साथ, ये दोनों को कंबाइन करके हमने वाटर का फॉर्मेशन किया था। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग एच की बात करें तो H2O में कितना था, 1 × 2 हमारा मास था और ऑक्सीजन के अंदर हमारा मास क्या था, 16 था। ओके, दोनों के मास में कोई भी चेंजेस नहीं होगा ओवरऑल द रिएक्शन, आप इसको किसी के साथ भी रिएक्शन करवा लो ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन का किसी के साथ भी आप रिएक्शन करवाते हो तो उसके मास के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, चाहे आप हाइड्रोजन का किसी के साथ रिएक्शन करवाए, आप सोडियम का किसी के साथ रिएक्शन करवाओ, पोटेशियम का किसी के साथ रिएक्शन करवाओ, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये जितने भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में दिए हैं। ओके, अगर आप इन पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट को अगर आप किसी के साथ भी अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही कमाल का जो एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे वो यहाँ पे जो डॉन डाल्टन है उन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देखते हो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन देखते हो तो इट इज पॉसिबल दैट देयर माइट बी अ टाइपोग्राफिकल एरर और द मिसअंडरस्टैंडिंग इन द टर्म यू आर रेफरिंग। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन में, तो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन में क्या होता है कि जितना आपने लिया है वो सेम कंपोजिशन आपको ऑल ओवर द रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। सपोज अगर आपने हाइड्रोजन का अगर 10 मोल लिया है तो 10 मोल आपको हाइड्रोजन ऑल ओवर द रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे, अगर आपने ऑक्सीजन के 5 मोल लिए हैं तो 5 मोल्स आपको ऑल ओवर द रिएक्शन, एंटायर द रिएक्शन आपको टिल एंड तक आपको सेम कंपोजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ओके, उसके बाद थर्ड वाला है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज थियरी स्टेट दैट ऑल मैटर इज मेडअप ऑफ एटम विच आर इंडिविजुअली ओके इनडिविजिबल। अभी यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी कहा था कि ऑल मैटर्स इज मेडअप ऑफ एटम। ओके, और ये एक दूसरे से इनडिविजिबल है, अगर एक बार मैटर्स फॉर्म हो गया ओके, तो उसको वापस हम सेम पहले के जैसा वापस नहीं कर सकते। ओके, यानी उसको वापस हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर आप देखते हो कि अलग अलग जो मेटल्स फॉर्म होते हैं, मेटल्स के अंदर की कितने सारे आपको जो अलग अलग छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और उस एलिमेंट्स का एक साथ आने के कारण वो जो मैटर है वो फॉर्म होता है और वो मैटर को वापस आप एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो की पॉइंट्स है वो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द सेकेंड पार्ट ऑफ दी थ्योरी, द सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं कि द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरी से ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे जैसे हमने पीछे वाला एग्जाम्पल लिया था, पीछे वाला एग्जाम्पल हमारा किसका था, ये H2O का था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास H है और O है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके अंदर अगर आप इसका मास देखते हो तो इसका मास कितना था हमारे पास, 1 × 2 था। ओके, और इसका मास कितना था हमारे पास, 16 था। तो ऑल ओवर द रिएक्शन जो इसका मास है और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो थोड़ी भी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, ये डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी ने बताया है। ओके, और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बट एटम देमसेल्फ आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आप इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में आप किस तरीके से देख सकते हो कि जो एटम्स होते हैं उनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके,
तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला पॉइंट देखते हो, तो ये वाला अगर पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर क्या कहा गया है, ये देखिए कि सब्सिक्वेंट डिस्कवरी रिवील्ड दैट द एटम आर डिविजिबल इनटू द सम एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो एक एटम्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अंदर डिवाइड होते हैं, यही सारी चीजें वहां पे बताई गई है। ओके, द थर्ड पार्ट से द कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और द मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ पे कंपाउंड्स की बात की है, तो कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक या दो से ज्यादा जो एटम्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से ही क्या होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें जो आपका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस थ्योरी स्टेट दैट अ केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी आपके पास एटम्स है उसका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, यानी एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, लेकिन उसके मास और प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरीके का जो चेंज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए हैं बेस्ड ऑन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और इसके दोनों पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पहले के इसमें स्लाइड्स में ये किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर आप मास को ना ही फॉर्म कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, जैसे यहाँ पे अगर आप सिंपल सा अगर आप सॉल्ट देखते हो जिसमें Na+Cl होता है, ओके, और Na+Cl क्या फॉर्म करता है, NaCl, ठीक है, जिसमें Na क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है, और इस तरीके से जो आपका एक सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, वो यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, लेकिन अगर आप Na और Cl के कंपोजिशन की बात करो, ओके, Na और Cl के कंपोजिशन की बात करो और इसके मास की बात करो, ओके, मास और यहाँ पे जो इसका प्रॉपर्टीज है वो दोनों यहाँ पे सेम होती है। ओके, यहाँ पे सेम होती है, क्या इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है आफ्टर द रिएक्शन। ओके, यहाँ पे Na जितना होता है, Cl जितना होता है, सेम आपको NaCl के अंदर भी सेम जो मास है और जो प्रॉपर्टी है आपको उसके अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सिंस डाल्टन डिड नॉट हैव द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट टू सी और अदरवाइज एक्सपेरिमेंट ऑन इंडिविजुअल एटम, ही डिड नॉट हैव एनी इनसाइट इनटू द वेदर दे माइट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे जो जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, ओके, तब उनको ये नहीं पता था कि जो हमारा एटम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके बारे में वो किसी तरीके की जो एक इंसाइट होती है, एक हाइप होती है, वो क्रिएट नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने उसके बारे में किसी तरह की जो एक मनगढ़ंत बात है वो किसी को नहीं बताई थी। ओके, डाल्टन हाइपोथिसाइज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रॉपर्टीज कुड बी एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया ऑफ एटम्स। ओके, ही प्रपोज दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल द एटम। तो ये तो बात सच है कि जो भी उन्होंने कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, विच इज इमेजिन अ सॉलिड मैसी हार्ड इम्पेनिट्रेबल फिर मैवलेबल पार्टिकल्स। ओके, तो वो एक उनका इमेजिनेशन था कि अगर हम लोग किसी भी एटम को कंसिडर करें तो वो एटम कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, मैसी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, पेनिट्रेबल हो सकता है, उसके बाद मूवेबल पार्टिकल हो सकता है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव कर सकता है, और इसी के बेस के ऊपर जो उनका एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रॉपर्टी की जो दो एक हाइपोथिसाइज थी वो उन्होंने बताया, और उनके जो दो लॉस थे उनको सबके सामने रखा। ओके, पहला तो कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आपका डिफिनाइट प्रॉपर्टीज। ओके, देन उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था कि वी माइट विजुअलाइज डाल्टन एटॉमिक्स एज अ पीस इन द मॉलिक्यूलर मॉडलिंग किट वेयर द डिफरेंट एलिमेंट आर स्पेयर ऑफ द डिफरेंट साइज एंड कलर। और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप देखोगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग साइज के और कलर के होते हैं। वेल, दिस इज द हैंडली मॉडल फॉर द सम एप्लीकेशन, वी नो दैट एटम्स आर फार फ्रॉम द बींग सॉलिड स्पेयर। ओके, और अगर आप देखते हो कि अगर आप किसी सॉलिड स्फीयर को देखते हो जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां पे उन्होंने बताई थी। ओके, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि
ऑल एटम्स ऑफ द गिवेन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन द मास एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि जितने भी एटम्स होते हैं, वो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, वो उनके एलिमेंट्स के जो मास और प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल होती है। ओके, ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप ले लो तो उसकी जो मास और प्रॉपर्टी आपको ऑल ओवर द रिएक्शन, वो किसी के साथ भी रिएक्शन करे, आपको उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ओके, तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे जो पहला पॉइंट कहा था कि डाल्टन प्रपोज दैट एवरी सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट सच एज गोल्ड इन द सेम एज एवरी अदर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ही ऑल्सो नोटेड दैट द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। सो ये बात उन्होंने बहुत ही परफेक्ट कही थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो एक एटम्स होता है वो दूसरे एटम से बिल्कुल भी अलग होता है। ओके, और ये आज जाके आपको ये भी पता है कि हर एक एटम की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो मास होता है, उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जो उसके रिएक्शन की एक पॉसिबिलिटी होती है, वो सारी चीजें क्या है, अलग अलग है। ओके, उसके बाद उन्होंने जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कहा था कि अ सोडियम एटम इज द डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन एटम। ओके, तो ये भी बिल्कुल है। सोडियम यहाँ पे आप देखोगे कि इसका एटॉमिक मास अलग है, अगर आप कार्बन का एटॉमिक मास देखते हो तो इसका अलग है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप चेक करते हो तो ये दोनों अलग है। सोडियम एटम्स क्या है, एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और कार्बन क्या है, एक आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर फॉर्म करता है, और एलिमेंट में शेयर द सम सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट नो टू एलिमेंट हैव द सेम एग्जैक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें तो आपको कुछ एलिमेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे आपके उसके मेल्टिंग पॉइंट है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो आपको सिमिलर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपको सिमिलर देखने के लिए नहीं मिल सकती। ओके, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो उन्होंने कही थी। ओके, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और द मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप टेबल सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लो, तो टेबल सॉल्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपका Na होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, और जिसके कारण जो हमारा टेबल सॉल्ट NaCl फॉर्म होता है। ओके, तो ये भी उन्होंने कहा था कि कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और द मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ओके, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, ये भी मैंने अब पिछले वाले स्लाइड में कहा था। द सेकेंड क्लोरिन इज द टॉक्सिक गैस। ओके, ये भी पता है कि आप सेकेंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो क्लोरीन था, क्लोरीन गैस का बहुत एक्सेस में इस्तेमाल किया गया था, इसके कारण जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर बहुत से लोगों की जो जान है वो गई थी। ओके, व्हेन दे रिएक्ट द एटम कंबाइन इन 1:1 रेशियो टू फॉर्म द व्हाइट क्रिस्टल ऑफ NaCl। ओके, और ये अगर हम लोग बात करें कि NaCl जो आपके घर में जो नमक होता है, आप बिल्कुल भी सोडियम मेटल और क्लोरीन को रिएक्शन करवा के उसको बनाने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है आपको, क्योंकि हम अगर कहें कि जो क्लोरीन होता है वो सबसे डेडलीस्ट टॉक्सिक गैस है इस अर्थ के ऊपर, जिसका आप थोड़ा सा भी अगर आपके इनहेल करते हो आप क्लोरीन गैस को, तो आपकी तुरंत जो डेथ है वो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो होती है। ओके, और जो आपका सोडियम है, सोडियम आसानी से अगर एयर के कांटेक्ट में आता है या वाटर के कांटेक्ट में आता है, जहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिलता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है और तुरंत उसमें आग लग जाती है। ओके, तो ऐसी कुछ बातें को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे और भी आपको जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताई गई है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ओके, और कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हो आप, जिसके अंदर आप देखोगे कि रिएक्शन के अंदर जो उसका ये केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आप डिस्ट्रॉय और क्रिएट को क्या कर सकते हैं, एटम को आप क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, हर मेरली रीअरेंज द एटम यूजिंग द सॉल्ट एग्जाम्पल, व्हेन द सोडियम कंबाइन विद द क्लोरीन टू मेक द सॉल्ट, बोथ द सोडियम एंड क्लोरीन एटम स्टिल एग्जिस्ट। वो ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही उसकी जगह कोई दूसरा एटम्स फॉर्म होता है। ओके, तो ये बात भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि ना ही आप एटम को क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही एटम के मास को आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही एटम के मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये तीन चार जो बातें हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या है, विशेषताएं हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप हमें कमेंट करके आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।